हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ वेट मशीन है ये। जैसे कि मैं जिम वगैरह जा रहा हूँ तो उसके लिए मुझे जो भी ओट्स वगैरह खाते हैं तो उसके लिए मैंने ये मंगवाई है, ठीक है। कि कितने ग्राम वगैरह खाने हैं तो सभी मतलब इसी का यूज़ करते हैं, तो वहाँ से ही देख के मैंने इसको ऑर्डर किया है। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ और मैं भी देख लेता हूँ ये कैसी है। फर्स्ट टाइम मैंने ऑर्डर किया इसको, तो अभी इसको ओपन कर लेते हैं। तो मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया इसको, अब देखते हैं ये परफेक्ट है या नहीं है। तो अंदर से कुछ इस तरह से आपको पैकेजिंग देखने को मिल जाएगी इसकी, और कैपेसिटी पे यहाँ पे टिक नहीं किया हुआ, तो वो मैं आपको साइड में पिक शो कर दूंगा। और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, मेरे पास फोटो है इसकी। इसकी कैपेसिटी बता रहे हैं 10 kg यहाँ पे मेंशन किया गया, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हो, आपको मंगवानी हो तो यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। तो ये बैटरी आई है इसके साथ में, और ये मशीन और बिल्कुल छोटी सी है। मतलब वैसे अपन देखते हैं ना वीडियो में बड़ी लगती है, बट बिल्कुल छोटी सी ये मशीन है। तब इसमें सेल डाल लेता हूँ मैं, तो यहाँ से सेल डालेंगे इसमें। पेज चालू हो गई, आप देख सकते हो। तब इसको मतलब देखना पड़ेगा कि हाँ ये सही से वेट बताती है या नहीं बताती, कोई इसका फ़ायदा है भी या नहीं। तो काफ़ी लोगों ने ऐसा रिव्यू किया हुआ है कि मतलब इस पे मतलब 5 kg का वो होता है ना पत्थर सा रखते हैं, तो ये अलग सा बताता है। तो इस वजह से ये आया थी, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मोड़ दिए गए हैं। तो सबसे फर्स्ट आया था ये ग्राम का मोड, आप देख सकते हो यहाँ पे जी बना हुआ है। तो इसके सामने इस वजह से टिक आ जाएगा जब आप मोड पे क्लिक करोगे, ये देख सकते हो। अब OZ पे हो गया, तो अपन को जी पे ही रखना है इसको, ठीक है। तो जैसे जी पे रख दिया, उसके बाद आप इस पे कुछ भी रख के देख सकते हो क्या वेट वगैरह रहता है इसका। अगर यहाँ पे आप 100 ग्राम का कुछ रख देते हो जैसे, ठीक है, उसके बाद आप टेयर पे क्लिक करोगे तो माइनस में चला जाएगा जब आप उसको उठाओगे। तो उसके ऊपर से अलग से कुछ रखोगे तो वो प्लस में दिखाएगा, उस वजह से रहेगा ये। तब भी अपन इस पे क्या करते हैं, कुछ चेकिंग करते हैं कि मेरे पास सर्फ वगैरह पड़ा है तो 5 kg का होगा वो, तो चेक करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो कैमरे को भी मैं टर्न कर लेता हूँ, फिर वीडियो को वहीं एंड करेंगे। लास्ट में कुछ इसकी चेकिंग वगैरह कर लेते हैं, हाँ ये 5 kg का उठा पाता है या नहीं, मतलब ये अच्छे से बताता है कि इसमें 5 kg है या कम ज़्यादा बताता है। ओके, तो अभी इसकी चेकिंग करते हैं कि क्या ये सही है क्या। मतलब 110 आप ग्राम यहाँ पर देख सकते हो मेंशन किया गया, और प्लस 60 ग्राम, मतलब 170 ग्राम है टोटल इसमें वेट। तो इस पर रखते हैं अभी, ये ऑफ हो गया, एक सेकेंड। 167 बताया इसने, तो थोड़ा बहुत हो सकता है या तो सोप में दिक्कत हो या हो सकता है इसमें दिक्कत है। इसको उठाते हैं, इस साइड रखते हैं 167। अगर अपन कोई भी एंगल पे रखते हैं तो आ 167 ही रहे, अपन कोई भी एंगल पे रखते हैं तो आ 167 ही रहे। जैसे कि इस एंगल पे रख दे, 168 हो गया, एक सेकेंड, 167। तो लगभग ये सही बता रही है। ऐसा हो सकता है कि 1-2 ग्राम का फ़र्क होगा इसमें सोप में। एक और टेस्ट कर लेते हैं अभी, एक मैं सरफ ले आता हूँ। तो सेकंड मैं कोई चाय पत्ती उठा कर लाया हूँ, ये देख सकते हो, इसकी दिखा रहा है 250 ग्राम, तो इसको रख के देखते हैं। अरे ये तो 256 ग्राम हो गई। तो मतलब हो सकता है इसमें थोड़ी सी ज़्यादा दी गई हो या कुछ भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता ये मशीन में गड़बड़ाई या वैसे ही दिखा रहा है। तो थोड़ा बहुत चलो अब चलता भी है इस प्राइस पॉइंट पे, चलो ठीक है। वैसे 255 दिखा रहा है, अब इस एंगल पे रखें 256, इस साइड रखें 256। तो मतलब इसी वैसे है, अगर आपको परचेज़ करनी हो कर सकते हो, सही है इस प्राइस पॉइंट पे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आसपास दिखाता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता भी अगर हो रहा होगा तो, नहीं तो इक्वल भी हो सकता है ये कर रही हो। अब मुझे तो नहीं पता, मैंने इसको कहीं और नहीं मतलब वैसे मेज़र करके देखा, मतलब तोल कर देखा। बाकी आपको लेनी है ले लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आई और इसको परचेज़ करना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हो। तो गर्मी वगैरह इसलिए कुछ फ़ैन ऑफ है और एसी वगैरह है नहीं इस रूम में, और लाइट भी गई हुई है, तो फ़ैन मैंने ऑन नहीं किया, इन्वर्टर पर अलग सी वॉइस आती है उसकी। तो अगर आपको इसको परचेज़ करना है, लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हो। अगर आपको पसंद आया तो बाय कर लेना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।